वालेकुम 37 लर्नर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आईबी के हवाले से आज हमारा टॉपिक है मैथ। मैथ में हमारा जो टॉपिक है वो पावर है, ठीक है। पावर को कैसे सोल्व करते हैं, ये टू हमारे पास क्या है, बेस है और इसके ऊपर क्या है, पावर टू है, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, अगर बेस हमारे पास टू और पावर टू है, इसका मतलब है कि ये टू जो है, ये बेस ये है, दो टाइम मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, टू टू द फोर, ठीक। और इसके टू के ऊपर पावर, अगर बेस के ऊपर पावर कोई ज़ीरो हो तो याद रखना कि वो हमेशा वन के बराबर होता है। टू के ऊपर पावर ज़ीरो तो ये हमेशा वन के बराबर, अगर हंड्रेड के ऊपर पावर ज़ीरो तो याद रखना हमेशा वन के बराबर होगा, अगर पावर ज़ीरो होगा तो, ठीक है। इस तरीके से ये है टू के ऊपर पावर फोर है, इसका मतलब है टू फोर टाइम मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये देखो ये फोर टाइम, टू टू द फोर, फोर टू द एट, एट टू द सिक्सटीन, ठीक। अब दूसरा नंबर है कन्वर्ट इनटू पावर, अगर हमारे को जो नंबर है वो मल्टीप्लाई, इसको पावर में कन्वर्ट कैसे करें, देखो ये इन सारे नंबर पे ऊपर कुछ नहीं है, मतलब वन है, ठीक है, वन, ठीक है। और हमारा पावर जो है, सॉरी बेस जो है क्या है, थ्री है, थ्री है, तो ये कितने होंगे, वन टू थ्री फोर, कितने हो जाएंगे पावर इसके ऊपर, फोर हो जाएंगे, ठीक। ये हमारा आंसर है। अब इस तरीके से देखते हैं, देखो हमें इनको पावर की सूरत में लिखना है, ठीक है। एक ये फोर आ, एक ये हो गया, ठीक है, मतलब फोर के ऊपर कितने हो जाएंगे पावर, दो, क्यों, क्योंकि हमारे पास पावर जो फोर है, जो बेस कितने, दो हैं, ठीक है। इस तरीके से एक ये थ्री, एक ये थ्री के ऊपर पावर टू, फाइव ये फाइव, फाइव के ऊपर पावर कितने होंगे, टू होंगे, ठीक है। अब इनको आप मल्टीप्लाई भी कर, इसको हल सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है, जिस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, इसको हल किया, ठीक है। तो हमको सॉल्व नहीं करना, हमको जस्ट ये बोल रहा है कन्वर्ट इनटू पावर, इसको पावर की सूरत में लिखना है, ठीक है। ये आ गया आंसर।